नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक थोड़ा सारिया का ज्योतिष के सब तो खास से पॉपुलर शो थोड़े सितारे PTC के उत्ते तहे दिलों स्वागत करती हूँ। अपने मेंटोर, अपने गाइड, अपने फादर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी की गाइडेंस नाल मैं डिस्कस करूँगी दिन का पंचांग ते राशिफल। सब तो पहला अज का पंचांग। अज है 14 मार्च 2024, दिन है गुरुवार यानी थर्सडे। शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रहेगी रात दे 11:03 तक। अज गंडमूल नहीं है, अज पंचक भी नहीं। गल करिए राहु काल दी, तो दोपहर के 2 बजे तो लैके दोपहर के 3:28 तक का समा जरा है वह राहु काल का है। अज कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन तुसी लेना है, कोई शुभ काम तुसी करना है, तो दिन का शुभ समा जरा है वह रहेगा शाम के 4:58 तो लैके शाम के 6:27 तक। हूँ गल करांगे राशिफल। एरीज यानी मेष राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि फाइनैंशियली जो दिन स्ट्रोंग करना है तो किसी न किसी फाइनैंशियल एक्सपर्ट की या कंसल्टेंट की सलाह लेके चलना चाहिए। अच कोई भी इन्वेस्टमेंट तुसी करनी है तो जल्दबाजी करन चो अच परहेज करना चाहिए। ट्रैवल वास्ते दिन शानदार नज़र आ रहा है, कोई शानदार ट्रिप का आगाज भी हो सकता है। बिल्डर्स या डीलर्स वास्ते, प्रॉपर्टी डीलर्स वास्ते समाज थोड़े वास्ते फेवरेबल रहेगा। चंगे क्लाइंट्स थोड़े नाल जुड़ सकते हैं, चंगी सेल्स की उम्मीद तुसी रख सकते हो। अज जिहड़े सिंगल्स ने या जिन्हां दी विआह दी गल चल रही सी, अज विआह दे डेट फिक्स होण दे वी चांसिस नज़र आ रहे हैं। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा 11, लक्की कलर रहेगा पीच। तो तुसी उपाय की करना, किसी जरूरतमंद शख्स नूं एमरजेंसी दे लाइट नाल छतरी नाल जे दित्ती जावे तो दिन होर वी वधिया बन सकदा है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालियां वास्ते अज अपनी जरूरी चीज़ां नूं बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि कोई महंगी आइटम इधर उधर होने के चांसिस काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं। घर कोई रेनोवेशन का काम तुसी करा रहे सीगे ते उहदे विच चेंजेस आ सकते हैं। घर के इंटीरियर नूं लैके तुसी कुछ चेंजेस प्लान करने हैं तो उहदे वास्ते भी दिन ठीक नज़र आ रहे हैं। अपनी मैरिटल लाइफ में कोशिश करनी है कि अनबन नूं बहुत ज़्यादा जगह नहीं देनी। कोई चीज़ चल रही है, कोई मनमुटाव चल रहा है तो उन्होंने बह के अज प्रायोरिटी से पहला सुलझा लेना। कई लोगों को विदेश जाने के अवसर भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, दिन ओवरऑल विदेश तो जुड़ी हुई कोई खबर पाने वास्ते भी दिन राइट रहेगा। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा 9, लक्की कलर रहेगा ब्राउन। तो तुसी उपाय की करना, किसी जरूरतमंद शख्स को जो अपनी श्रद्धा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार सरों के तेल का दान दिता जाए तो दिन होर भी वधिया बन सकता है। जमिना यानी मिथुन राशि वाले वास्ते सेहत पक्षों तो दिन जड़ा है वह काफ़ी लक्की थोड़े वास्ते साबित होएगा। स्पेशली जिहड़े लोग स्पोर्ट्स नाल या फिटनेस इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए ने, अज का दिन तुहाडे वास्ते काफ़ी क्रिएटिव ते कंस्ट्रक्टिव रहेगा। कोई अवार्ड, कोई रिकग्निशन या किसी नवी चीज़ की शुरुआत भी तुसी एक्सपैक्ट कर सकते हो। जिहड़े लोग नवी जॉब की तलाश ने या जॉब बदलना चाह रहे सी या अपने करियर नूं एक बार दोबारा शुरू करना चाहते सी, अज का दिन तुहाडे वास्ते भी लक्की रहेगा, कोई नवी ऑपरचुनिटी तुहानूं मिल सकती है। जिहड़े लोग ऑलरेडी हॉलीडे से चल रहे ने, वकेशन से चल रहे ने या फिर वो अज तो अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, थोड़े वास्ते भी नवे एक्सपीरियंसिस वाला दिन नज़र आ रहा है। अकैडमिक फ्रंट के उत्ते स्टूडेंट्स को टेंशन लैन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट थोड़े चंगे आने। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा 7, लक्की कलर रहेगा ऑरेंज। तो तुसी उपाय की करना है, 1 किलो चावल, 1 किलो दुध ते 200 ग्राम हल्दी किसी भी धर्म स्थल पर जाके दे आने। कैंसर यानी कर्क राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि पैसे के मामले अज किसी के उत्ते भी भरोसा थोनों नहीं करना चाहिए। अज जिहड़ा है वह पैसे के मामले इनफैक्ट दिन अटेंटिव रहने वाला है। किसी प्रोजेक्ट नो डेडलाइन ते पूरा कर पाना थोड़ा जो औखा लग रहा है, इस करके कोशिश करो कि जो पूरा करना है उन्होंने टाइम के उत्ते अपने कलीग्स तो हेल्प लैन च हिचकिचाहट तुहानू नहीं होनी चाहिए। कोई नवी तुसी प्रॉपर्टी लीती है वो तो जुड़िया होया हुण अंदर जिहड़ा जो भी तुसी काम अपना कराना है वो प्लान करन वास्ते दिन अज दा खास रहेगा। पढ़ाई विच कीती गई मेहनत स्टूडेंट्स की शानदार रिजल्ट्स लैके आएगी। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा 1, लक्की कलर रहेगा मजेंटा। तो तुसी उपाय की करना, किसी भी जरूरतमंद शख्स नूं स्पेशली पिंक कलर के कपड़े का दान देना थोड़े वास्ते रहेगा सब तो शुभ। लियो यानी सिंह राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि वजन घटाने के जिहड़े एफर्ट्स हैं ना वो अज तो शुरू कर देने चाहिए ने। सिर्फ प्लानिंग नाल काम नहीं चलेगा बल्कि एग्जीक्यूशन या उस चीज़ां नूं ऑपरेशनल करना हुण जरूरी होएगा। आमदनी के जरिए भी हुण वधन की उम्मीद नज़र आ रही है। कितने ना कितने थोड़ी सैलरी पेंडिंग चल रही थी, एरियर्स तुहानूं नहीं मिले सी ते वो भी अज मिल सकते हैं। जॉब की तलाश जिहड़े लोग कर रहे हैं उन्हां वास्ते दिन अज लकी रहेगा। किसी की कहन नाल, किसी एक्वेंटेंस की हैल्प नाल, किसी के रेफरेंस नाल तुहानूं चंगी ऑपरचुनिटी मिल सकती है।
स्टूडेंट्स दा नो फैमिली दा सपोर्ट भी मिलेगा, घर परिवार च कोई ना कोई खुशी दा प्रोग्राम भी हो सकता है। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 22, लकी कलर रहेगा डार्क ग्रे, तो तुसी उपाय की करने, किसी भी धर्म स्थल ते जे हरा पेठा जाके वंड दिता जावे ते दिन और भी वधिया बन सकता है। वर्गो यानी कन्या राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि सेहत के मामले जो अज तुहानू बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अज उस हेल्थ जी है फिजिकली इमोशनली ते मेंटली तीनों पासों जड़ा है वो ठीक नज़र आ रही है। फाइनैशियल मामलों च दिन जड़ा है वह कंस्ट्रक्टिव रहेगा, कोई ना कोई अचीवमेंट उत्थे नज़र आ रही है, कोई वड्डी डील तुहाडे हाथ लग सकती है। कुछ लोगों अचानक मकान जड़ा है शिफ्ट करना पै सकता है, पर चंगी गल यह है कि तुहानू जो चेंज है वो तुहाडे वास्ते बेहतरी वास्ते ही आ रही है। पैसा भी बचेगा तो नाल चंगी लोकेशन से भी तुहानू रहन नू मिलेगा। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 18, लकी कलर रहेगा सैफरन यानी केसरिया, तो तुसी उपाय की करना, किसी भी ब्लाइंड स्कूल अज अपने किसी भी ब्लाइंड स्कूल अज श्रद्धा अनुसार डोनेशन देना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। लिब्रा यानी तुला राशि वाले वास्ते सेहत का पक्ष स्ट्रोंग नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जिन्हें सेहत ठीक नहीं चल रही थी, बीमार चल रहे थे जो लोग, अच्छ उन्होंने सेहत भी तेजी नाल सुधार होता हुआ नज़र आता है। इनकम के बेहतर हुन जरिए मिलने शुरू होंगे, कितने ना कितने जॉब च चेंजेस जरूर आएंगे, पर यह चेंजेस थोड़े वास्ते फायदेमंद साबित होंगे। स्टूडेंट्स नू पढ़ाई के क्षेत्र च अज होर मेहनत ते हार्डवर्क करन दी जरूरत है, कितने ना कितने थोड़े एफर्ट्स च जे कमी आई तो मार्क्स भी कमी नाल दी नाल आ जाएगी। जिहड़े लोग सिंगल ने उन्हां दी विआह दी गलबात हुण कितने चलनी शुरू हो सकती है। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 2, लकी कलर रहेगा ब्राउन, तो तुसी उपाय की करना है, काले कुत्ते नूं दुध ते ब्रेड पाउणा तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि अपने रूटीन में सब कुछ ठीक है, एक्सरसाइज कितने, अपने आप वास्ते समा कितने, समा तुसी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्कआउट करन वास्ते नहीं कढ़ना, बल्कि अपने आप नूं मेंटली स्ट्रोंग रखन वास्ते, इमोशनली स्ट्रोंग रखन वास्ते भी अपने आप नाल समा कढ़ना जरूरी होएगा। कोई जरूरी असाइनमेंट्स नूं टाइम ते देण वास्ते तुहानूं हो सकता है लोगों की मदद लेनी पवे। अज किसी ना किसी प्रकार की देरी वर्क फ्रंट के उत्ते भी आ सकती है, जिहदे कारण तुहानूं अपने सीनियर्स वालों या बॉस वालों कुछ सुनना पवे। जिहड़े बच्चे घरों दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उन्हां दी चिंता अज पेरेंट्स नूं तंग कर सकती है। अज अपने लाइफ पार्टनर की गल नूं सुनना ते अंडरस्टैंड करना, उन्हां दी फीलिंग्स नूं समझना भी खास जरूरी होएगा। प्रॉपर्टी वालों दिन अज खास नज़र आ रहे हैं, चंगे रिटर्न्स तुहानूं मिल सकते हैं। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 1, लकी कलर रहेगा मरून, तो तुसीं उपाय की करना है, छोटा जिहा पीले रंग का कपड़ा लेना है, 2 पीली कौड़ियां लेनिया ने, किसी भी पवित्र जल नाल धो के पीले कपड़े च बन के तुसीं सारा दिन अपने कोले रखना है, पर्स भी रख सकते हो, पॉकेट च भी रख सकते हो। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि तनाव तो जो फ्री होना है तो इको एक सल्यूशन है, मेडिटेशन, जिन्ना हो सके उन्ना मेडिटेट आज जरूर करना है। इन्वेस्टमेंट्स तो जिन्हें रिटर्न्स आने हैं वो हो सकता है आने वाले समय तो आन, अज जिहड़ा है रिटर्न्स नूं एक्सपैक्ट करन वास्ते दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं नज़र आ रहा। किसी वड्डे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुहानूं मिल सकती है, पर कोशिश करनी है कि कमिटमेंट कोई भी करन तो पहला स्पैशली डेट्स होन या रिजल्ट्स दी कमिटमेंट्स होन, तुहानूं अपनी टीम नाल अपने सीनियर्स नाल सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। जिहड़े लोगों की सेहत ठीक नहीं चल रही तो उन्हां वास्ते जिहड़ा है अचानक सुधार हुंदा होया नज़र आ रहा। शादी योग्य लोगों नूं सोलमेट, अपने मनपसंद सोलमेट दी तलाश जिहड़ी है तुहाडी पूरी हो सकती है। अज लकी नंबर तुहाडा रहेगा 17, लकी कलर रहेगा पीच, ते तुसी उपाय की करना, ते सुखमनी साहब दा पाठ करना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि सेहत नूं लैके थोड़ी जी परेशानी का सामना करना पै सकता है। हुण सेहत अपनी होवेगा घर परिवार च किसी दी, बट सेहत दा पक्ष कितने ना कितने अटेंशन जरूर मंग रहा। अज कमाई के नवे साधन थोनों मिल सकते हैं, जिहड़े लोग जॉब छड़ के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते सी ते बहुत वड्डा डिसीजन है, अज ही ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, होमवर्क करने वास्ते दिन ठीक ठाक है। प्रॉपर्टी का फैसला कोई पेंडिंग चल रहा है वो तुहाडे वास्ते तुहाडे फेवर च आ सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो जुड़िया होया काम भी करने वास्ते अज का दिन वधिया नज़र आ रहा। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 8, लकी कलर रहेगा ग्रे, तो तुसी उपाय की करना है, 10 साल तो छोटी कंजक नूं चॉकलेट्स दे के या कुछ मिठा दे के पैर छू के आशीर्वाद लेना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि जिहड़े कि सामान्य जिहड़े हेल्थ इशूज ने उन्हां वास्ते घरेलू नुस्खे भी कम आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ है तो उत्थे फेथ वधाउण दी।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੋਗੇ। ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 7, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਵਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਭ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮੀਨ ਦੀ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ ਮੈਰੀਟਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 3, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਮਜੈਂਟਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਪੀਲੀ ਕੌੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।